इन दिनों रीवा जिले में पुलिस के लिए दो ही कार बचे हैं, एक हेलमेट और दूसरा नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान। हालांकि हेलमेट अभियान का असर दिखने लगा है, लेकिन नशे के खिलाफ पुलिस प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा जागरूकता अभियान सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। जो कार्यवाही अभी की जा रही है वह सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है। एक साल से बेधड़क फैला नशे का कारोबार को छिपाने के लिए महज कुछ बॉटलों और पाउचों तक कार्यवाही सीमित है। अब पुलिस अधिकारियों के द्वारा स्कूली बच्चों के बीच जाकर हेलमेट और नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार को यातायात थाने में पदस्थ सूबेदार अखिलेश कुशवाहा और प्रमोद पांडे ने ढिकहा स्थित उमादत्त स्कूल पहुंचे, जहां बच्चों के बीच नशे और हेलमेट के लिए जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान बच्चों से दोनों पुलिस अधिकारियों ने चर्चा की और अपने घर के सदस्यों को बिना हेलमेट लगाए घरों से बाहर ना निकलने देने की अपील की है। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां और सुनाते हैं दोनों अधिकारियों ने क्या कहा है। विद्यालय के सभी वरिष्ठ शिक्षक, समस्त शिक्षिकाएं एवं प्रिय बच्चों, अभी श्री कुशवाहा जी ने आप लोगों को हेलमेट के बारे में जागरूक किया है। तो आप तो गाड़ी चलाते नहीं हैं, आपके पेरेंट्स गाड़ी चलाते हैं, है ना? तो उन्हें जागरूक करना है, जब कभी जाएं अगर बिना हेलमेट के जा रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स को जरूर कहिए, पेरेंट्स हैं, भैया हैं, अंकल हैं, उनको आप जरूर कहिए कि हेलमेट लगा करके जाइए। हेलमेट लगाने से संबंधित बहुत सी जानकारियां सर ने बताया है कि किस प्रकार से हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। पहला, सर हमारी बचत, हेलमेट से हमारे सर की बचत हो जाएगी। अगर कभी हम गिरते भी हैं, उछल के गिरते हैं, कैसे किसी प्रकार से गिरते हैं, तो सर की सुरक्षा हो जाएगी, जिससे हम सेफ रहेंगे। दूसरा, हेलमेट लगाए रहेंगे तो धूल धुआं ये सब भी चीजें आंखों में नहीं पड़ेगी, तो आंखों की भी सुरक्षा हो जाएगी, मतलब सब चीजों की सुरक्षा हेलमेट है। दूसरा है आपका, अभी पांडे जी ने आप लोगों को नशे से संबंधित जागरूक किया है और आए दिन बीच बीच में भी आप लोगों को नशे से संबंधित जागरूक करते रहते हैं, तो हमें मालूम है कि आप लोग नशा नहीं करते हैं। आपके घर के आसपास लोग नशा करते हैं या घर के बुजुर्ग हैं कि जो कुछ नशा करते हैं, तो आपको उन्हें मना करना है, उन्हें रोकना है, उन्हें टोकना है कि नशा जो है तो हमारे, नशा एक समाज का अभिशाप है, वो आपको पूरी तरह से अंदर से खोखला कर देता है। जो लोग नशा करते हैं उनमें सोचने और समझने की शक्ति को खत्म कर देता है, इतना खतरनाक नशा होता है। ना हम सही सोच पाते हैं, फिर नशे में हम क्या करते हैं, गलत सोचते हैं और गलत का परिणाम बहुत भयंकर होता है, हम अपराधी बन सकते हैं उसमें। नशे अगर किए हुए हैं और गलत सोचे और गलत सोच पे हम पड़ गए तो वो कोई ना कोई अपराध कर सकता है, इतना खतरनाक नशा होता है। नशा समाज के लिए अभिशाप है, ऐसे हाथ उठा लो, सब लोग हाथ सामने कर लीजिए। नशा समाज के लिए अभिशाप है। नशा का अर्थ नाश, संपत्ति व स्वास्थ्य का, चरित्र का विनाश, आप स्वयं इसका परित्याग करें, साथ में अपने एक साथी से भी परित्याग कराएं, ताकि पूरा समाज नशा मुक्त होकर खुशहाली के रास्ते में चल सके। यातायात नियम का पालन करें, दुर्घटना से बचें। मौत कहीं से भी आ सकती है, पर हमें सुरक्षित रहना है। कैसे सुरक्षित रहना? हमें हेलमेट लगाना है। अपने भाई बहनों को, माता पिता को, नात रिश्तेदार जितने भी हैं, सभी को बताना है कि आप सभी हेलमेट लगाएं।